मुंबासा सिटी है उसकी स्थापना 900 AD में हुई थी। ये लोग है जो यहाँ पे इससे पानी लेके जाते हैं और ये लोकल है ना जो मुंबासा ब्रेकफास्ट मिला है। चाय है जो ऐसे बड़े कप में भर के पीते हैं लोग। काफी इंटरेस्टिंग सिटी लग रहा है ये। ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे भाई ये कुछ लोकल क्लोथ की शॉप। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। और अभी मैं हूँ केन्या का एक पार्ट है, ईस्ट पार्ट है मुंबासा। ईस्ट नहीं, ये लगभग तंजानिया के पास में है, तो आप साउथ ईस्ट बोल सकते हो यार। तो अभी मैं यहाँ से तीन दिन हो गए मुझे यहाँ पे आया यार, 3 या 4 दिन हो गए। मैं यहाँ भी बस आराम कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ बढ़िया मस्त मजे से। ये देखो यहाँ पे लैपटॉप खोल के बैठा रहता हूँ, वो अपना ब्रेकफास्ट आ गया। लेकिन आज मेरा यहाँ पे ना बाहर जाने के विचार है। मुंबासा सिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग सिटी है और आज यहाँ पे एक दो हो सकता है मैं लोकल लोग जो मेरे हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर उनके साथ हो सकता है मैं बाहर मुंबासा सिटी को एक्सप्लोर करने जाऊँ। तो सबसे पहले करते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट अभी हो गया है यहाँ पे टाइम 10 बजे। और ये लोकल है ना जो मुंबासा ब्रेकफास्ट मिला है आज मुझे, कैसा भाई टेस्ट करके बताता हूँ। इन लोगों ने लोकल बोला कि आज हम आप लोगों को मुंबासा का जो लोकल ब्रेकफास्ट है वो खिलाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को आने दो, किसी को सबसे पहले तो पूछूंगा भाई ये है क्या क्या, पहले तो ये बताओ। मैंने उनको पहले ही बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या खाना है, मैंने बोल दिया कि कुछ भी खिला दो, बस बीफ और पोर्क को छोड़ के कुछ भी खिला दो। तो उन्होंने यहाँ का लोकल ब्रेकफास्ट ला के खिलाया मेरे को। यहाँ पे देखो चाय है जो ऐसे बड़े कप में भर के पीते हैं लोग, छोटा वाला कप नहीं पीते, यहाँ पे भी इसको चाय बोलते हैं। ब्लेस की व्हाट डू यू कॉल दीज बीन्स? दिस इज कॉल्ड बाज। या बाज जी? या बाज इज द मुंबासा। अंबाजी? अंबाजी बाज जी। ओके बाज जी, अंबाज जी। ओके तो ये सोयली फूड है, इसको अंबाज जी बोलते हैं। ये पोटैटो है, ये एग हो गया, बनाना मंडाजी मंडाजी एंड दिस। ओके ओके महाम्बरे। ओके ओके दिस वन वियाजी। और इसका जो ये प्राइस चार्ज करते हैं ना लगभग 160 रुपीज है इस ब्रेकफास्ट का प्राइस। तो आधा तो मैंने खत्म कर दिया, आप लोग आधा खत्म करने के बाद फिर प्राइस बताइए मैंने। और ये चाय, यहाँ भी इतने बड़े ग्लास में चाय पीते हैं लोग। वी टेक 3 स्मॉल कप लाइक दिस। Oh my God! ये लड़ी देखो कितने बड़े ग्लास में चाय पीती है। This is coffee. Yeah. Nice. पूरे मेरा हॉस्टल कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से, देखो यार ये हॉस्टल है मेरा। So आज हम लोग जा रहे हैं ओल्ड टाउन को एक्सप्लोर करने। Yes. Come fun with Blesky and solo tripper. Yeah, solo tripper. Solo tripper and fun with Blesky. Yeah. अभी हम लोग जा रहे हैं जो ओल्ड टाउन है, ओल्ड स्टोन सॉरी ये मुंबासा है ओल्ड टाउन, वहाँ भी घूमने जा रहे हैं। हमने कर लिया है यहाँ से टुक टुक बुक, टुक टुक लगभग 300 सेलिंग लेगा, 3 × 18 लगभग 180 INR के लगभग। लेकिन यहाँ से दूर है जो ओल्ड टाउन है वो। तो मुंबासा का ओल्ड टाउन यहाँ से स्टार्ट होता है, मुंबासा ओल्ड टाउन। अभी आपको पूरा ओल्ड टाउन का ट्रिप देने वाला हूँ मैं। हाय, ये यार उसकी तरह लग रहा है स्टोन टाउन, दिस लुक लाइक स्टोन टाउन लिटिल बिट स्टोन टाउन। सो आज मैं आया हूँ ब्लेस्की के साथ और सोलो ट्रिपर। आई डोंट नो योर नेम, व्हाट इज योर रियल नेम? स्नोवी। इसका नाम है स्नोवी, इसका नाम है ब्लेस्की। तो आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट इज योर चैनल नेम? सोलो ट्रिपर। आई विल मेंशन ऑन स्क्रीन एंड इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। व्हाट इज योर चैनल नेम? तो आप इस भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इन दोनों के चैनल का है जो लिंक है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सोलो ट्रिपर वेर इज स्नोवी, सोलो ट्रिपर फन वाइफ विद ब्लेस्के। तो आज ये दोनों मुझे घुमाने वाले हैं ओल्ड मुंबासा टाउन। सो व्हाई इज मुंबासा, ओल्ड मुंबासा इज फेमस? Because this was the first town while the Portuguese were here. Okay. So यहाँ पे actually जब ये Portuguese colony हुआ करता था ना केन्या, तब यहाँ पे Portuguese है जो यहाँ पे सबसे पहले आए थे ऐसा कहा जाता है, ये लोग बता रहे हैं मेरे को। बाकी ये देखो ओल्ड टाउन, यहाँ पे सारी चीज़ें ना पुराने में दिखेगी आप लोगों को। वो जो स्टोन टाउन है ना जंजीवार वाला, वो भी कुछ सेम ऐसा ही दिखता है। हाय, बस बढ़िया है, आप बताओ कहाँ से आप? हम इंडिया से। इंडिया? मैं भी इंडिया से। इंडिया में कहाँ से हो तो पता है? ऊना से।
पुना ऊना ये कहाँ है ऊना? अच्छा देव, अच्छा गुजरात, गुजरात के पास में। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा तो आप कितने साल से हैं यहाँ पे? मैं तो 7 साल से, 60 years। क्या बात है, क्या बात है। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं ऐसे ही घूमने आया था, सोचा आज घूम लेता हूँ यहाँ पे। हाँ यूट्यूबर हूँ, यहाँ से घूम के फिर तंजानिया जाऊँगा, फिर मोजाम्बिक, फिर जिम्बाब्वे से वापस घर। हाँ ओके चलो मिलते हैं फिर। ओके बाय। हाँ तो वो अंकल जी है वो इंडिया से ही थे। दीव है ना गुजरात के पास में, तो वहाँ से दीव होता है। तो वो बोले कि यहाँ पे कहाँ घूम रहा है भाई, ऐसे इंडियन मिल ही जाते हैं। दिखने से ही मुझे मालूम चल गया था कि वो इंडिया से है। वैसे तो यहाँ पे केन्या में जाएगी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ना, वो क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता है। ओल्ड टाउन, स्पेशली ओल्ड टाउन। ये देखो यहाँ पे एक लामो आइलैंड है। ओके देर आर मैनी डोंकीज इन लामो आइलैंड। लामो आइलैंड भी है जो कुछ ऐसा ही दिखता है भाई साहब। हाय जाम्बो मीन्स हाय। अच्छा ओके जाम्बो एंड माम्बो मीन्स बोथ आर सेम। यहाँ पे जाम्बो और माम्बो का मतलब होता है हाय। यदि आप लोगों को कोई जाम्बो या माम्बो बोलता है तो आप लोगों को बोलना गोवा। मोम्बासा ओल्ड पोर्ट, ये है मोम्बासा का ओल्ड पोर्ट। जब यहाँ पे अंग्रेज या पुर्तगीज लोग राज किया करते थे ना, तब ये मोम्बासा का ओल्ड पोर्ट हुआ करता था। वो देखो आपको बोर्ड दिख रहा होगा, मोम्बासा ओल्ड पोर्ट। और यहाँ पे जो वो एक बड़ा सा शिपयार्ड भी दिख रहा है यार, गजब। ये लोग है जो यहाँ पे इससे पानी लेके जाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सिटी लग रहा है ये। ब्लेस की यू आर लुकिंग सो नर्वस भाई। यस आई एम जस्ट ओके आई एम अपने वक्त का मियां सो इज माय फर्स्ट टाइम। दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन ओल्ड टाउन? फर्स्ट टाइम इन ओल्ड टाउन लाइक। एंड यू टोल्ड मी दैट आई विल गाइड यू इन ओल्ड टाउन। आई नो द ओल्ड टाउन ऑन द अदर साइड। यू आर आई डोंट नो। यस नो ही वाज सेइंग टू मी इन द मॉर्निंग दैट आई विल गाइड यू इन ओल्ड टाउन। आई नो द ओल्ड टाउन एंड नाउ ही इज सेइंग दैट आई एम फर्स्ट टाइम हियर। भाई मेरे को बोल रहा था मैं तुम्हें गाइड करूंगा ओल्ड टाउन में, और फिर यहाँ आने के बाद बोल रहा मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। और ये है भाई ओल्ड टाउन फिश मार्केट। इट्स फ्री। ओके थैंक यू। जो फिश मार्केट था ना उसके अंदर आके और कुछ ऐसा नज़ारा दिखता भाई, जबरदस्त खूबसूरत दिख रहा है यार। देखो बिल्कुल ब्लू वाटर दिख रहा है यहाँ से। ये है जो इंडियन ओशन का ही पार्ट है जो आपको ये सामने दिख रहा है, ये वाला इंडियन ओशन का ही पार्ट है। ये छोटी छोटी बोट है यहाँ पे, फिश मार्केट है, फिश पकड़ के लाते हैं। और ये जो ओल्ड टाउन मोम्बासा ओल्ड टाउन है ना, ये अरब कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में ट्रेड का एक मैन जगह हुआ करता था, मैन प्लेस हुआ करता था। और यहाँ से है जो चाइना और इंडिया के साथ भी ट्रेड हुआ करता था पहले। माइंड योर स्टेप्स। वाह भाई जबरदस्त। और ये देखो रेस्टोरेंट, अच्छा खासा बहुत काफ़ी खूबसूरत सा क्लीन सा रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ पे। और ये कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं, जबरदस्त। मैंने सोचा नहीं था स्टोन टाउन ऐसा होगा, इतना खूबसूरत होगा और यहाँ पे इतने अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह भी मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ से अभी वो हम लोग फिश मार्केट से देख रहे थे, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे फिश मार्केट। थोड़ा सा फिश मार्केट देखो आप लोगों को दिखाता हूँ। वो जो शिप दिख रहा है ना आपको, वो कोना दिख रहा होगा थोड़ा सा उसके बगल में। तो ये देखो ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन है। पहले मुझे जब मैं वो फिश मार्केट में था तब मुझे ऐसे लग रहा था कोई रिवर वगैरह है, लेकिन ये थोड़ा सा बस यहाँ पे इतना सा है, ये इंडियन ओशन का ही पार्ट है। वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है उधर जाके, और ये फिर इधर पूरा का पूरा ओशन है। हाय स्नोवी, व्हाट डू यू थिंक? इट्स लुकिंग गुड, अमेजिंग। या ये हमारे पीछे है जो मोम्बासा ओल्ड टाउन है, उधर है जो पूरा का पूरा न्यू पार्ट है, न्यू कंस्ट्रक्शन मिलेगा। और इस मोम्बासा सिटी को ना ब्लू एंड वाइट सिटी भी कहा जाता है। ये जो केन्या का है ना सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 12 लाख है मोम्बासा सिटी की। वेयर आर यू नाउ? मोम्बासा ओल्ड टाउन नियर टू इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, यस दिस इंडियन ओशन। यहाँ पे इतना गजब का इतना ठंडी हवा चल रही है ना, पूछो मत। यहाँ पे काफी सारे लोग आ गए, पहले हम कुछ एक लोग ही बैठे थे, अब यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आ गए। पीछे आप लोग देखो, ये इधर देखो, ये भाई है जो ब्लॉगिंग कर रहा है यहाँ पे।
और वहाँ पे वो देखो वहाँ पे कुछ लोग हैं ना नहाने चले गए। अब मैं क्या है कि यहाँ पे कपड़े नहीं लेके आया, वरना मेरा भी नहाने का मन करा लेकिन कपड़े लाने चाहिए थे। मैंने सोचा कि वो ओल्ड टाउन को एक्सप्लोर करके वापस आ जाएंगे। मुझे नहीं पता था यहाँ से जो इंडियन ओशन का जो क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर इतना ज़बरदस्त दिखेगा। दीज आर केन्यान क्लोथ्स, केन्यान क्लोथ्स, yes, traditional dress, African clothes, huh? African or Kenyan, yes. In Africa there are a lot of countries, every country has their own. So यहाँ पे आपको मिल जाएंगे भाई ये कुछ local clothes की shop वगैरह भी मिल जाएगी। जो Mombasa city है उसकी स्थापना 900 AD में हुई थी। उसके बाद है जो ये काफ़ी traders हुए थे ना वो काफ़ी capital भी रहा उनका, यहाँ से काफ़ी trade हुआ करता था, बहुत सारी countries यहाँ से trade किया करती थी क्योंकि coastal area पास में ही, Indian Ocean पास में ही है, तो ट्रेड करने के लिए सबसे परफेक्ट जगह थी केन्या के केन्या में और पूरे ईस्ट अफ्रीका में। ईस्ट अफ्रीका की ट्रेड कैपिटल हुआ करता था मोम्बासा। यहाँ से यह है इसका सेंटर पॉइंट है जो ये सिटी है इसका, और यह है फोर्ट जीजस। ओ भाई बड़ा भीड़ है फोर्ट जीजस के लिए, जीजस फोर्ट है ये, इसके लिए तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ जमा कर रखा है इन लोगों ने। यह है फोर्ट जीजस, इसकी स्थापना पोर्तुगीज ने 1556 से 1593 के बीच में की थी। एक्चुअली यहाँ पे अंदर जाने का जो प्राइस है ना वो लगभग $15 चार्ज करें, भाई $15 नहीं दूंगा मैं $15 नहीं दूंगा मैं केवल फोर्ट जीजस फोर्ट में जाने का। फोर्ट में क्या मिलेगा, कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बस ये फोर्ट है, वहाँ से फोर्ट स्टार्ट होता है, यहाँ पे फोर्ट ख़त्म हो गया बस, और उसका मेरे को $15 पे करना पड़ेगा, लगभग 1200 इंडियन रुपीज। तो इससे ज़्यादा बेटर है मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करें हम लोग। हे ब्लेस की शूट। ये हिस्टोरिकल है वैसे जो ये है ना मोम्बासा टाउन है ना, ओल्ड टाउन, काफ़ी हिस्टोरिक जगह है। और यहाँ पे देखो इधर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, पुलिस भी है यहाँ पे यार। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ की पुलिस ना ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रही मेरे को रिकॉर्डिंग से। बाकी यहाँ पे ज़्यादातर जगहों पे ना बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्जेक्शन करते हैं, कीप द गार्डन क्लीन। यहाँ पे तोप गोले रखे हैं, ये यहाँ पे कुछ बना रखा है इन लोगों ने। हाउ मच दे आर चार्जिंग फॉर वन कोकोनट? 150 150 सीलिंग का एक नारियल है जो कि होता है लगभग 95 इंडियन रुपीज़ का एक इतना छोटा सा नारियल। केन्या में नारियल बहुत महंगे है, नारियल पानी बहुत महंगा है। कल जब मैं वहाँ बीच पे गया था परसों, वहाँ पे 500 सीलिंग का और इतना छोटा सा नारियल का पानी। और इन दोनों ने ना अपना अपना एक चैनल बना लिया और ये जहाँ भी जा रहे हैं ना वहाँ भी बस सबसे सब्सक्राइब करवा रहे हैं। ये देखो इससे जबरदस्ती सब्सक्राइब करवा रही है और अभी हम लोग वहाँ से वो जो घूम फिर के टाउन था उसको घूम फिर के बस यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है भाई साहब, ये देखो बैंक ऑफ इंडिया मोम्बासा ब्रांच। हम लोग चलते हैं अब थोड़ा सा आगे। व्हाट हैपेंड? सो आई थिंक वी आर गोइंग टू ट्राई टू गेट सम फूड, स्वाहिली डिशेस, सम स्वाहिली डिशेस। यस, ओह लेट्स गेट सम, लेट्स गो। यस, अब ये लोग बोल रहे हैं हम लोग चल रहे हैं कुछ स्वाहिली डिशेज ट्राई करने, देखते हैं स्वाहिली डिशेज कैसी होती है यहाँ का लोकल फूड। लोकल फूड भी वैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई लोकल फूड को भी इंक्लूड किया करो यार आप लोग वीडियोज में, तो आपसे मैंने लोकल फूड को भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है हमारे वीडियोज में। आप ये सारे के सारे ना स्वाहिली डिशेज के रेस्टोरेंट है छोटे छोटे, लेकिन ये ओपन नहीं है। हम लोग चलते हैं मोम्बासा डिशेज रेस्टोरेंट में और यहाँ पे ट्राई करते हैं। और यहाँ पे है जो यहाँ का लोकल स्वाहिली डिशेज है ना वो सेम इंडिया से मिलती जुलती है। देखो प्लेन राइस, कोकोनट राइस, वेजिटेबल राइस, पुलाव, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, एवरीथिंग इज लाइक इंडिया। सो गाइस ये हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे एक चिकन करी है जो ये है 550 सेलिंग की, एक चिकन बिरयानी दोनों लोगों ने शेयर किया है क्योंकि कुछ ज़्यादा था और मैं सुबह खा के आया था, मुझे इतना भूख था नहीं, आप लोगों ने देखा होगा भरपेट ब्रेकफास्ट करके आया था यहाँ का स्वाहिली ब्रेकफास्ट। लेकिन ये स्वाहिली डिशेज बोलते हैं इसको, लेकिन सारी डिशेज आपको इंडिया में अवेलेबल है। एक ऑर्डर किया है मैंने मैंगो जूस, इसका प्राइस है 200 सीलिंग होता है 130 इंडियन रुपीज के लगभग। टेस्ट करके बताता हूँ जो बिरयानी है ना उसका टेस्ट एकदम अच्छा, मतलब स्पाइसी बनाई इन लोगों ने।
You want some? No. अच्छा है भाई जूस। यहाँ पे ये चीज़ें हमने ऑर्डर की है, प्लेन राइस, मटन करी, चिकन बिरयानी, मैंगो जूस। उसका टोटल प्राइस है जो 1100 सीलिंग हुआ है, 1100 सीलिंग होता है लगभग 700 इंडियन रुपीज के। लेकिन खाना अच्छा था यार, खाने में कोई बुराई नहीं थी। खाना मतलब इन्होंने मिर्च मसाले वगैरह ठीक ठाक डाल रखे थे और टेस्टी भी था खाना। तो खाना पीना खा के अब चलते वापस हॉस्टल। शाम का बज गया लगभग 2:30 और हम लोग निकले थे हमारे हॉस्टल से लगभग 10:30 बजे। हम लोग जा रहे हैं वापस से हमारे हॉस्टल को और यहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट लगेगा हॉस्टल जाने में। और ये जो पूरा मुंबासा है ना, जो ब्लू और सफ़ेद कलर की सिटी में पूरा रंगा हुआ है, शुरू से ही जब से ये बना हुआ था ना तभी से ये बस इन्हीं 2 कलरों में रंगा हुआ है बस। सो गाइज, ये था इस वीडियो के बारे में। तो अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, हम लोग आ गए हमारे हॉस्टल को वापस। तो फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए।